Hello, assalamu alaikum everyone. I hope you guys are doing really well. So welcome to my channel. Aaj ka jo vlog hai wo start ho raha hai 9 AM se Saturday. Aur maine ye wahi dress pehni hai. Meri aunty Pakistan gayi thi, wo mere liye lekar aayi thi. Agar wo mera vlog dekh rahi hai to main unko thank you keh rahi hu. So guys, aapko hum apni beti ka school dikhate hain. So let's go. सो हम स्कूल आ गए थे तो स्कूल में आके मेरी बेटी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी. कलर्स देखकर बहुत सारी पेंटिंग्स थी वहाँ पर जो बच्चों ने बनाई हुई थी, बहुत ज़्यादा देखकर इंजॉय कर रही थी. कलर्स कर रही थी और कह रही थी कि कोई भी हाथ मत लगाए, मैं खुद करूंगी जो भी करूंगी. और यहाँ पर पेरेंट्स की और टीचर्स की मीटिंग हो रही थी. नेक्स्ट ईयर जो है वो एडमिशन होगा, हमारी बेटी का भी पहली दफ़ा स्कूल जाएगी. सो मीटिंग ख़त्म होने के बाद हम आ गए थे मार्केट में. मार्केट में आकर फर्स्ट सेक्शन में ही जो है वो प्रसेमोलो होता है, वो कोरिएंडर से बहुत अच्छा लगा है मुझे. वो कोरिएंडर की टाइप ही होती है लेकिन यहाँ पर प्रसेमोलो बोलते हैं इटालियन में. हमने वो ख़रीदा. हाँ तो मंदरीनी है, मंदरीनी है छोटे वाले ऑरेंज, वो टेस्टी होते हैं ये वाले. एक मिनट, टमाटर ले लिए हैं. क्रिसमस ऑन द कॉर्नर है तो फिर मैं लेने वाली हूँ यहाँ पे एक पाने तोने बोलते हैं इसको, केक. ये वाली लेनी है या वो दूसरी वाली लेनी है? ये वाली से एक ले लूँ. पिज़्ज़ा शॉपिंग हो रही थी, चीज़ ले रही थी मैं, और मैंने फिलाडेल्फिया की चीज़ ली है हेल्दी वाली. घर में पिज़्ज़ा तो सो ये लीवी तो लेना है मुझे इसको, इससे जो है वो आटा फूल जाएगा. और जी शॉपिंग ख़त्म हो गई थी तो हम घर की तरफ जा रहे थे. तो घर के रास्ते में ये बहुत प्यारा सा पार्क था तो हम वहीं पर थोड़ी देर के लिए रुक गए थे. घर आए तो मेरे हस्बैंड ने ग्रॉसरी समेटने में, उसको सेट करने में मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की. सो स्वीट ऑफ हिम, बल्कि उन्होंने की. सो यहाँ पर मैं बना रही थी आटा जो है पिज़्ज़े के लिए. इसके अंदर मैं डाल रही थी लीवी तो, जिससे आटा फूलेगा. उसको गर्म पानी के अंदर मैं डाल रही थी, ग्लास के अंदर गर्म पानी डाल के इसको मैं अच्छे से घोल के फिर आटे के अंदर मिक्स करूँगी. आटे के अंदर मैं डाल रही थी शुगर, मेरे पास ब्राउन शुगर थी तो मैंने वो डाल दी, आधा चम्मच डाला. उसके बाद आधा चम्मच जो है वो नमक का, उसके साथ मैं डाल रही थी उसके अंदर ऑयल. पानी के साथ में दूध के साथ बहुत अच्छा जो है वो फूल जाता है और नरम नरम सा रहता है. Thank you.
आटा गूंद दिया था, मैं इसको कवर कर रही थी, और 2-3 घंटे के लिए मैं इसको छोड़ दूंगी ताकि ये अच्छे से फूल जाए, सेट हो जाए। यहाँ पर मैं बना रही थी मसाला। मसाले के लिए जो है मैंने ऑयल के अंदर डाला एक प्याज और उसको अच्छे से ब्राउन करके मैंने, जब वो ब्राउन हो गया उसके अंदर मैंने टमाटर प्यूरी डाली, और टमाटर प्यूरी डालने के बाद मैंने उसके अंदर डाला नमक मिर्च, बस ये 2 चीज़ें ही डालूँगी और अच्छी तरह भून लूँगी जब तक उसका ऑयल ना निकल आए। यहाँ पर मैं चीज़ को क्रश कर रही थी अच्छे से, और जिसके साथ कद्दू क्रश करने वाला जो होता है ना, उसके साथ मैं इसको क्रश कर रही थी। सो फाइनली अब आगे हम तैयार कर रहे थे जी पिज़्ज़े के लिए रोटी। मैंने पेड़े करके रख लिए थे, सो अब हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा। थी वो सारी पेस्ट मैं इसके ऊपर स्प्रेड कर रही थी, उसके ऊपर मैं डाल रही थी चीज़। चीज़ डालने के बाद मैंने इसके अंदर डाला टूना फिश। और अब मैं इसको रखूंगी तंदूर के अंदर ताकि ये अच्छे से पक जाए, और पक जाने के बाद फिर मैं इसकी करूंगी कटिंग कटर के साथ। और लो जी हमारा लजीज पिज़्ज़ा तैयार हो गया, और हमने ड्रामा देखा, ड्रामे को एंजॉय करने के साथ साथ पिज़्ज़ा और फ्राइज़ भी हमने एंजॉय किए। बहुत मज़ा आया गाइस, बहुत मज़े के बने थे। सो यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है नेक्स्ट डे संडे का। तो यहाँ पर मैं बना रही थी ब्रेकफास्ट, मैं बना रही थी फ्रेंच टोस्ट। सो वही रेगुलर जो हर आम घर में बनता है वही बना रही थी। सो साथ में मैं बना रही थी चाय। चाय के साथ हमने ये इंजॉय किया, और एकता टाइगर सलमान खान की नई मूवी जो आई है वो इंजॉय किया हमने। पर हम नाश्ता कर रहे थे और एंजॉय कर रहे थे मूवी। का जो दिन है वो बहुत बिजी होने वाला है। नाश्ता करने के बाद मैं आई हूँ किचन की डीप क्लीनिंग करने के लिए। आज मुझे ये सब डीप क्लीनिंग करना है, ड्रॉर्स को भी सब को बाहर से सारा साफ करना है, और अब ये बर्तन धोऊंगी मैं, सब सेट करूंगी, और आज इसको भी मैं डीप क्लीन करने वाली हूँ इसकी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरू करते हैं गाइज़। मैं पूरी वीडियो में बात नहीं करूँगी, बस आप देखिए कि मैं कैसे अपनी किचन को जो है वो डीप क्लीनिंग करती हूँ। अगर मेरे वीडियो देखकर कोई मोटिवेट हो रहा है या हो सकता है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। गाइज़ प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए।
खुद भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हिट द बेल आइकन, नीचे कमेंट भी कर दीजिए और लेट्स गेट रहती है, लेकिन डीप क्लीनिंग जो है वो मैं हर वीक के बाद करती हूँ, क्योंकि हमारे खाने इतने ऑयली होते हैं तो इस वजह से हर जगह मुझे महसूस होता है जैसे ऑयली ऑयली हो गया है, तो इस वजह से मैं हाथ के हाथ साफ़ कर देती हूँ। मुश्किल से ये मैंने लगाए हैं। आप थी जी ड्रॉर्स की बारी। मैंने सारे ड्रॉर्स साफ़ किए हैं, अंदर से सब साफ़ थे, बस अब बाहर से साफ़ करने वाले थे। साफ़ होने के बाद बारी थी जी अवन की। अवन भी मैं हर वीक के बाद साफ़ करती हूँ, डीपली क्लीन करती हूँ। लहसुन अदरक आलू और प्याज को सब सेट करके रख रही थी। सब साफ़ हो गया था, मैंने 3 घंटे लगाकर सब साफ़ किया है। बहुत टाइम लग गया था, वीडियो को मैंने फास्ट कर करके आपको दिखाया है। आप लोग को लग रहा होगा बहुत फास्ट हो गया होगा, लेकिन नहीं, बहुत फास्ट नहीं हुआ, बहुत टाइम लग गया था मुझे। और गाइस, अगर आपको आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और हिट द बेल आइकन। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, ओके, अल्लाह हाफिज़।